दिनों भारत में हवाई यात्राओं के दौरान यात्रियों की मनमानी और बदतमीजियों की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए अब इंडियन एयरलाइंस ने कुछ बड़े कदम उठाने का फैसला ले लिया है। खबर है कि इंडियन एयरलाइंस मशहूर कॉमेडियन और टीवी स्टार कपिल शर्मा को चेतावनी देने की तैयारी कर रही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से आ रही फ्लाइट में कपिल शर्मा ने काफी बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। आरोपियों और चश्मदीदों की माने तो उन्होंने अपने साथी सुनील ग्रोवर को जूते और थप्पड़ों से भी मारा था। इतना ही नहीं, वो अपनी क्रू मेंबर्स पर भी भड़क गए थे और उन्होंने काफी भद्दी गालियां भी दी थी। एयर इंडिया के चीफ अश्विन लोहानी ने उड़ान के दौरान कपिल शर्मा के व्यवहार पर एक रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा उन्होंने एक चेतावनी भी जारी करने को कहा है, जिसको फिलहाल आखिरी रूप दिया जा रहा है। ये चेतावनी अगले हफ्ते तक कपिल शर्मा को मिल जाएगी। 16 मार्च को कपिल शर्मा अपने शो की टीम के साथ मेलबर्न से दिल्ली आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने काफी शराब पी ली थी और शराब के नशे में उन्होंने काफी हंगामा किया था। इस दौरान केबिन क्रू और बाकी यात्रा कर रहे लोगों ने कपिल शर्मा को शांत रहने की हिदायत दी थी। यहां तक कि कपिल शर्मा को एक बुजुर्ग महिला ने ये तक कह दिया था कि वो अकेले सफर नहीं कर रहे हैं और भी लोग सफर कर रहे हैं, तो प्लीज और लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए। इसके बाद कपिल शर्मा ने केबिन क्रू से माफी मांगी और अपनी सीट पर जाके बैठ गए, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से उठ गए और अपनी टीम पर चिल्लाने लगे। इस बार एक पायलट बाहर आया और उन्होंने कपिल शर्मा को कड़ी चेतावनी दे दी। इसके बाद कपिल शर्मा ने सारा सफर सोते हुए तय किया। अब एयर इंडिया कपिल शर्मा को यह आखिरी चेतावनी जारी करने जा रहा है। अगर कपिल शर्मा एयर इंडिया की फ्लाइट में दोबारा ऐसा करते हुए पाए गए तो कपिल शर्मा को एयर इंडिया की फ्लाइट से ही बैन कर दिया जाएगा और वो इसके बाद में कभी भी एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर नहीं कर पाएंगे। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना कर पाओ।